कैमरा इधर है और एक इधर कैमरा है, ठीक है? बस एंगल चेंज रहेगा। प्रणाम भैया, क्या पता है जी, कैसे हैं सर? सुंदर ब्लॉगिंग जितने भी लोगों ने बनाए हैं, वो जो चोलिए के हुक राजा से लेकर के चली समलिया चोरी हो पहले का गाना नहीं है वो आज लेजेंडरी सॉन्ग है, वो लेजेंडरी सॉन्ग है। अभी बंदूक देखिए, बंदूक बहुत तगड़ा सॉन्ग आई है आइकन म्यूजिक भोजपुरी से। और आप सभी लोगों का नेहा जी भी थोड़ा फ्रेम में आ जाइए, और भैया मेरा बनारस का मेरा भाई, और भैया आप सब लोग आते हैं तो इवेंट में चार चांद लग जाते हैं। मतलब हमारा जो इवेंट होता है आप लोग के बिना सुना सुना लगता है। अच्छा। आप लोग आते हैं, बहुत मजा आता है। थैंक। और भैया 2 मिनट आपका समय लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लूंगा, माफ़ करिए। मैं सुनना चाहता हूँ कि जो जितने भी रील्स क्रिएटर हैं, जो आप लोगों के लिए हर रोज़ हर दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए आपके दिल में क्या? देखिए बहुत कुछ होता है जो हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्टिव हुआ तो मुझे जिसका बढ़िया रील लगता है, मैं ये नहीं देखता हूँ किसका है किसका नहीं, छोटा क्रिएटर या बड़ा क्रिएटर, मैं अपने स्टोरी में मेंशन करता हूँ, अब बाकायदा @ वो नाम ऐड करता हूँ, मैं देखता हूँ देखता हूँ, तो उससे लोग काफ़ी खुश होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी रील्स क्रिएटर हैं आप लोग 15 सेकंड 30 सेकंड ही नहीं, आप लोग 3-3 घंटा वाले मूवी में काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए। और भैया जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत पहले से हैं और आप कुछ नाम हैं जो कि मेरे नज़र में दिग्गजों के नाम में आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, पर आप लोगों का मतलब मुझे एक ओपिनियन जानना है कि जितने भी जो नए आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीज़ें बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या चांस मिल रहा है? देखिए पहले सही सामने आना, पहले क्या था कि प्लेटफॉर्म में आज एक लोग रील्स के माध्यम से आपको भी जानते हैं और ब्लॉग के माध्यम से या जो भी वीडियो आप अच्छा अच्छा बनाते हैं एल्बम के माध्यम से आज आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है। अगर आप में टैलेंट होगा तो सामने वाले लोग की जो फिल्म बनाते हैं या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, उन लोग आपको ढूंढ के और अपने फिल्म में कास्ट करेंगे, तो आप अपने काम पर मेहनत करते रहिए। और भैया एक और आखिरी सवाल है कि कल्लू भैया की तरफ से हमारे जो रील्स इंडस्ट्री वालों के लिए उनके लिए क्या स्पेशल होने वाला है? देखिए स्पेशल तो मैं हमेशा जैसे अखी एक नाम है अखीश भाई, अखीश भाई, अखीश जी भाई, तो वो मेरे को मिले थे एक एल्बम के शूट पे, टिकटॉक उस समय चलता था, तो वो शायद उनका मोबाइल का दुकान था, तो वो एक ही बात बोले कि भैया हम मोबाइल की दुकान में मोबाइल में तो लोग फोटो खींचे लगे ना, तो मैंने बोला मेरे से जितना होगा मैंने अपने एल्बम में काम कराया और लगातार 2 फिल्मों में उनको काम किया, अभी वो कंटिन्यू फिल्म में कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी बढ़िया भाई मेरा काम करे, मेरे से जितना होगा मैं वादा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट काम देता हूँ, मैं कौन होता हूँ काम देने ना डायरेक्टर पर। नहीं 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 भैया बहुत बहुत प्यारे हैं, फर्स्ट मीटिंग है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बाय। मतलब एगो जीजा के रहते हमनी के भूखेल बनी जाई जा। मैं तो कब से बोल रहा हूँ तुमको, चलो 80 घाट एकदम मस्त देसी बाटी चोखा और दाल चावल एकदम वीआईपी केले के पत्ते पे तुमको खिला रहा हूँ और 80 घाट पूरा घुमा रहा हूँ, अभी मैं रेडी हूँ, अभी 12 बजे 4-व्हीलर भी है, सारा व्यवस्था है, अभी आप लोग चले, हाँ बोलिए और चल दीजिए फटाक से, चलो बहुत भूख लगा है, सेफ्टी रहोगी तुम लोग, ठीक है? अब पूरे बनारस में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई माँ जलवा है, माँ का लाल पैदा नहीं है, सच में नहीं थोड़ा सब ये काशी है, यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं है, हे भगवान अब मेरे को भी करना पड़ेगा, हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, क्या हुआ, सो गाइस आज बहुत सारे ब्लॉगर तैयार हो गए मेरे वजह से ना, सही बात है, मैं झूठी, लेकिन 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 ज्योतिका जी मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके फायदे की बात है, मेरे फायदे उसमें कुछ है, उसमें मेरा कोई फायदा है, मेरा कोई फायदा है उसमें नहीं, अभी का फायदा है कुछ खाने का नहीं है दीदी और क्रेडिट जाता है इन दोनों को, अगर का भी ब्लॉग आएगा प्लीज आप इसके ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
छह लोगों का खाना ये है और ये खाने के लिए दुख दे रहे हैं सारे क्रिएटर्स। इसका इसका चेहरा देखो मैंने खाने के लिए दुख दे रहे हैं। हां दुख दे रहे हैं किसको किसको सारे क्रिएटर्स को सारे क्रिएटर्स को चलना है तू क्या कर रही है। अरे आप लोग का विश्वास नहीं आ रहा। हां चलो 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 सब लोग अस्सी घाट मिलते हैं। आ बाबू चलो इसे भूलने से मतलब चलो हां है सो गाइज अभी हम लोग आ गए अस्सी घाट पे और पूरी रात अस्सी घाट पे बीतेगी ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या? पर थोड़ा तो टाइम बीतना ही है क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं आज बनारस में घूमने का मौका मिला है और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं। हाँ, से। और ये है गंगा जी का नज़ारा इसलिए उधर गंगा जी हैं इसलिए बहुत धुआं निकल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ढाई बजे अस्सी घाट एकदम सुनसान सड़क तो कितना बज रहा है भाई अस्सी घाट भी नहीं जलता। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग इतनी हमारी बड़ी टीम है और तनु जी व्लॉगिंग लगातार करती हुई और मेरी कैमरे की नजर से कोई नहीं बच सकता है। कोई नहीं बच सकता देख लीजिए आप लोग और हमारी इतनी बड़ी टीम है पूरी टीम आई हुई है अस्सी घाट घूमने के लिए और ये यहाँ का सबसे यस जो कि हम लोगों का बहुत फेवरेट है जी बहुत अच्छा भी लगता है तो आप लोग भी आइए तो अस्सी घाट का चाय जरूर पीजिए। आप लोग पियेंगे अस्सी घाट का चाय तो कुछ इनका भी आमदनी बढ़ेगा एक दो तीन चार बार जितना चार पाँच लाख का बना दो भैया। सो गाइस पुट्टू अस्सी घाट पे आके रात में शैतानी कर रहा है भाई 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 इधर 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 अब इधर एक बज गया अभी पुट्टू को नींद नहीं आ रही है अभी भागो आउट देखो कितना तेज दौड़ रहा है उसको खुला आसमान चाहिए होता है। कैसा है मैम टेस्ट चाय का? बहुत अच्छा बहुत अच्छा चाय बनाती हैं आप। मैं कब पिए आप ड्रम में का जा रहे हैं मैगी ड्रम में रह रही है हां मैगी उधर हम लोग गलत जगह जा रहे हैं नहीं पता अस्सी घाट में भी घाट कैसा टेस्ट है मैम चाय का? बहुत ही अच्छा थैंक यू अच्छा लग रहा है हां बहुत टेस्ट ये नींद थोड़ा खोलेगा जो नींद लगने वाली वो तो कुट्टू को लगा मेरे को कि उसको नींद आ रहा है उसको नींद देखो देख लो आ रहा है नींद लग ही नहीं रहा है कि उसको नींद आ रहा है एकदम इतने लोगों के बीच में अब दो महीने बाद पुट्टू का सारा बाल गायब हो जाएगा। चलो और आगे चलो आ जाओ जाओ तुम उधर देखो हाँ हाँ वो आ जाएगा तुम लोग टेंशन मत लो अच्छा इंसान है हमारा पुट्टू। यस सही बात है पुट्टू इधर हाय बोल दो हाय 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 बोल दो और बोल दो सब्सक्राइब कर लो सब लोग खांसी आने लगा आज पुट्टू को मिला है पता है खुला आसमान आज खूब दौड़ना चाहता है जी लो अपनी जिंदगी आज रात में कट्टू कट लिया है बंद कर पूरा जान लगा के तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तनु अपना खाना छोड़ दी पूरा ये मेरा है खत्म हो गया थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया मन्ना रोटी नहीं चिबाता वो भी छोड़िए ना मिल रही तो रात में खाना तो खाओ सुबह तक व्रत रहना पड़ता ये लोग खाना छोड़िए तो लोग ब्लॉगिंग करना जरूरी है ना सही है इधर सही है इधर सही है इधर की टीम आहिर का शरीर नहीं हो चावल नहीं खाते अच्छा चावल नहीं खाती है दे दीजिए उसको हमको धुल लीजिए नहीं
दे दीजिए हमको। सो गाइस देखिए, जब इतने रात को हम लोग खाना खाने आए हैं कैंट पे, और शिवाजी इतना ज़्यादा खाना मंगा दिया सबके लिए, भर भर के था। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। ज्योति का लग रहा है नहीं खा पाएगी आज। मेरा भी बहुत ज़्यादा है। शुभम खा जाओगे? मैं कवर पे लेने ना तुम मैचिंग मैचिंग भाई कवर देना अपने बात बात हुई। चलो कोई तो तुमसे मैचिंग हो रहा है ना। और रोटी ले लो, इधर रोटी बहुत सारा है। बहुत इतना? हाँ, बाबू को खिलाइए, बाबू को। बाबू अभी सोने वाला है। कैसा है भाई टेस्ट? ठीक है, गले से नीचे उतर रहा है ना। मैं तो पहली बार यहाँ पे खा रही हूँ। एकदम देसी वाला खाना है।